पापा वहाँ मान गए कहीं कोई डेकोरेशन नहीं है। 35 साल की हो बिल्कुल मिस मत करना पूरा ब्लॉग देखना। बर्थडे लोकेशन 1, 2, 3 टाउन तो ऐसे ठीक हो जाएगा। अब हम रेडी हुए कि पहले घर साफ करें। हर साल बर्थडे आता है क्या पैसे खर्च करना। नजर लगी मैं बेटी को। आज रोना नहीं चाहिए, आज खुशी मनानी चाहिए। एक दिन पहले कभी भी पार्टी वार्टी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि पापा के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो भैया यहाँ पर आंखों में पट्टी बांधी जा रही है, कुछ दिखाना ही नहीं आपको। चलो चलो पहले इतने जोर से तो सांस फूल जाऊंगा, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। आपकी राइट और लेफ्ट दोनों में आपकी धर्म पत्नियां हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा लगा हमारा सरप्राइज। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी जो ब्लॉग स्टार हो रहा है वो हो रहा है 10 बजे, क्योंकि अरमान जी का है बर्थडे और मैंने उनके बर्थडे के लिए रखा है सरप्राइज पार्टी, क्योंकि उन्हें नहीं पता है। उनको यही लग रहा है कि घर में ही जो है खाना वाना बना है और यहीं पे केक कटेगा, पर उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि पार्टी होने वाली है। तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ, छत पे कोई डेकोरेशन नहीं है क्योंकि छत पे वो जा सकते थे, चेक कर सकते, तो मैंने छत पे नहीं कराया। मैंने कराया अपनी सोसाइटी में। सोसाइटी में कहाँ कराया, तो चलिए पहले दिखाती हूँ आपको ये डेकोरेशन कहाँ होगी। तो यहाँ पे जो है आयानी खेल रहा है अपनी पन्नी से खेल रहा है पन्नी से, और यहाँ पे जैदू कर रहा है एक्सरसाइज। जैदू कहाँ कर ले, डिप्स मारो, डिप्स मारो। यहाँ पे जो टूबू है ना, ये टूबू का कर लिए, टूबू बैठी आराम से। तो गाइस सबसे पहले ये वाला घर पूरा दिखा देती हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ डेकोरेशन कराई है, दिखा देती हूँ। तो ये घर पूरा खाली है, यहाँ पे हमने कोई डेकोरेशन नहीं कराया क्योंकि हमें पता चुके पापा यहाँ ही उनके सारे कपड़े हैं, यहाँ ही वो सोते हैं मोस्टली, तो हमने कहा नहीं इधर नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पे कोई डेकोरेशन नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। तो खाने में क्या बनवाया पहले वो दिखा देते हैं। खाने का इनको पता है कि हमने बनवाया, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि मोस्टली हम घर पे रहते हैं, खाना तो बाहर से बनवा ही लेते हैं। तो बनाया है पालक पनीर, बहुत टेस्टी लग रहा है, और दाल मखनी। जो हमारे टीम मेंबर पीछे ब्लॉग बना रहे हैं उसके मुंह में पानी आ रहा होगा, आ रहा है ना, पर ये पानी आप बचा के रखिए, जब आपको केक कटेगा तो सब में बटेगा। चलो अब आगे चलते हैं। चलो बोलो एक काम कर, ये प्लेट छोटी पड़ रही है, इसके ऊपर पराठ ला दिया। किस पे पराठे क्यों है क्या नीचे? तो मुझे पराठ के लिए भेज रही थी और बोलते वाह पापा वाह मान गए। मैं नहीं मान पाती, तू पराठी ढूंढ के लाती। मैं तो पराठी लाती, पराठ बोले तो पराठी लाऊंगी मैं, फिर लाऊं ढक्कन। चल चलो। तो ये वाला घर भी देख लो, ये वाला घर भी, इसमें हमने कोई डेकोरेशन नहीं कराई। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं कराया क्योंकि देखो अरमान जी या तो उस घर में या इस घर में या 500 बारह या 2000 यही देख सकते हैं ना। तो पहले मैं पूरे घर को दिखा देती हूँ, छत को दिखा देती हूँ, जिम को दिखा देती हूँ, कहीं कोई डेकोरेशन नहीं है। चलिए मेरे साथ। तो गाइस देखो यहाँ पे लाइट तक नहीं जली हुई है, तो डेकोरेशन तो क्या होगी। तो सबसे पहले वाली छत दिखा देती हूँ। ये छत जो है ना ये भी साबुत पड़ी है, यहाँ पे भी कोई डेकोरेशन कुछ नहीं है, दूर दूर तक कोई डेकोरेशन का नामो निशान नहीं, क्योंकि देखो सारे डेकोरेशन छत पे कराते हैं। हमारे यहाँ सरसों का साग उठ गया। अरे वाह, ये देखो सरसों का साग, पक्का ही साग है वो, रात को छिलना है जी। हाँ मुझे मैंने उगवाया तो मुझे पता नहीं होगा। और दिखाती हूँ मेथी, मेरे को मेथी का पता है, मेथी है। ये देखो मेथी, इसके परांठे कल काटेंगे, कल परांठे बनवाएंगे, और वहाँ पे मेथी और उग रही है। और ये देखो लाल टमाटर खाता जो है हो जाता लाल टमाटर। ये पालक उग रही है, नहीं ये भी सरसों है। हाँ तो अब चलते हैं नीचे, यहाँ देख लिया नीचे नहीं, बल जिम भी दिखा देती हूँ वरना आपको लगेगा जिम पे कराइए। जिम भी दिखा दो, आ जाओ आ जाओ जिम। देखो मेरी जिम ब्लॉक है, जब जिम की कुंडी खोलेंगे और आएंगे जिम में, बड़े दिन हो गए जिम आए हुए गाइस मुझे सच में। ये देखो बड़ी मिस कर रही हूं, ये एरिया भी बिल्कुल खाली दिखेगा आपको, वहां का भी दिखा देते हैं। सोचो कि वहां तो नहीं है कुछ, इधर आ जाओ, वहां बालकनी है हमारी छोटी सी, तो बालकनी भी दिखा देते कि बालकनी भी खाली पड़ी है। ये देखो तो गाइस ये रही हमारी बालकनी, और कुछ नहीं पार्लर, इधर आके चीज याद आ गई मुझे, दिवाली की लाइटें उतरानी है। कब से बोला हुआ है कल उतरवाऊंगी। चलो गाइस ये बंद कर ली। तो हम लोग पहुंच गए 5th फ्लोर पे। आ जाओ। तो 5th फ्लोर पे है हमारा स्टूडियो और हमारी जितनी भी टीम है वो रहती है 5th फ्लोर पे। गाइस ये देखो ये पूरा घर खाली है, इस घर में भी कोई डेकोरेशन नहीं है। अब लेके चलते हैं आपको 211 में, और ये वही वाला घर है जहाँ पे हम लोगों ने पालक की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, एक साल जब बच्चों का बर्थडे भी, बच्चों का फर्स्ट मंथ बर्थडे भी था। फर्स्ट मंथ ना, फर्स्ट मंथ तो तू बहुत छोटे छोटे थे इतने इतने से। चलो चलो, और ये वाले घर के लिए ना आज मैं स्पेशल चाय पत्ती चीनी लेके आई, क्योंकि इस घर में जो सबसे ज्यादा चाय पीता है, जो चाय नहीं सिर्फ और सिर्फ पत्ती डालता है, वो है दीपक भैया। इनकी बड़ी कंप्लेंट आती है कि भाभी हर थोड़े दिन भाभी चाय पत्ती खत्म, हमने कहा तुम लो चाय पत्ती का। कितना ग्लो आ रहा है, मैं एंटी एजिंग लगा रही ना आजकल, देखो। हाँ यार सही कर रही, देखो गाइस कोई मेरी एज नहीं दिख रही, देखो 35 साल की होगी, नहीं 32 साल की होगी। आ जाओ नीचे, चलो फॉलो मी। तो गाइस एक हाउस ये है, ये हाउस में आपको मेरी आवाज जो है गुंजी गुंजी लग रही होगी क्योंकि ये हाउस भी बिल्कुल खाली। आ जाओ, एक रूम ये खाली पड़ा है, एक रूम ये रहा, ठीक है, जिसमें गोलू ने बड़ी गंदी औरतें धीरे जो है ना इनके लिए बर्थडे गिफ्ट लेके आए हैं, तो वहाँ पे ना देख रही क्या है बर्थडे गिफ्ट, पहले देख रही है। पर मैंने जैकेट बड़ी सुंदर और बड़ी गाड़ी जैकेट लेके आए धीरज भैया। मुझे पता है ना धीरज भैया हमेशा चाहे किसी के बर्थडे पे गिफ्ट आए ना आएगा, हमारे बर्थडे पे कभी नहीं आता, हमारे भी नहीं आता, कोई गिफ्ट
देता ही नहीं कभी भी। इनको ना हर हर किसी को बर्थडे पे गिफ्ट हम ला के देते हैं हाँ। लेकिन ये लोग इतने गंदे हैं ना, हमारे बर्थडे पे हमें कुछ नहीं देते, ऐसे टॉफी भी सूंघ कुछ चॉकलेट भी सूंघने के लिए नहीं मिलती हमें। ये सोच टॉफी तो दूर की बात है गाइस, खाली रैपर नहीं होता ऐसे दे दिया जल्दी से। आपका बर्थडे भी आया नहीं ना, ये देखो जैसे ये खाली रैपर है तो वो तक नहीं मिलता हमको। और इनके बर्थडे पे जा रहा ये वो सब। ये इनके बर्थडे पे देख, इनको हम इतनी प्यारी प्यारी ब्लैंकेट ये सब लाके हम देते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। बेडशीट के कवर तो देख लेंगे ये अपने ही है हमारे देश में। चलो तो गाइस असली डेकोरेशन अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने कहाँ करा है। आ जाओ इसका गाइस आइडिया, इनको ना दूर दूर तक नहीं हो सकता, दूर दूर तक मतलब ये सोच भी नहीं सकते कि गोलू और पायल ऐसा कर सकते हैं। चलते रहो दिखाते रहो, रुकना बस, जो कैमरा मैन है वो गिर मत जाइयो भाई, आगे भी देखियो ठीक है। कैमरा उस तरफ घुमा दे, थोड़ा थोड़ा कैमरा उस तरफ घुमा दे। अब आ जा बाहर, आ जा, थोड़ी झलक दिख गई क्या? अब आ जा बाहर, आ जा, आ जा। तो गाइस बिल्कुल मिस मत करना, पूरा ब्लॉग देखना गाइस, आ जाओ। क्या डेकोरेशन है, क्या डेकोरेशन, एकदम सिंपल सोबर पार्टी है, मजेदार। ये हमारा एंट्री गेट है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू एंड गोल्डन, ये कलर अभी तक किसी की पार्टी में यूज नहीं हुआ है, ये स्पेशली चाइना से, ये गाइस स्पेशली आज ही इंपोर्ट हुआ था और आज ही लग गया यहाँ पे। आ गया, आ जाओ। तो ये है गाइस बर्थडे लोकेशन जो कि अरमान जी को बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि ये एक सरप्राइज पार्टी है, उनको बिल्कुल नहीं पता कि हमने ऐसे ऐसे कुछ डेकोरेशन करवाई है। तो यहाँ पे केक की कमी है क्योंकि केक आ चुका है ना, केक आ चुका है, शाम के 6 बजे ही आ चुका था। कहाँ रखा है केक, कहाँ रखा है ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं और हम घर पे नहीं थे तो केक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये एक और चीज बता देती हूँ, छोटी सी चीज, ये वाले जो पार्टी पॉपर्स है रिमोट वाले है, तो जब हमारा केक कटिंग होगी ना हम रिमोट से बटन दबाएंगे 1 2 3 टा। और एक चीज इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, हरमान जी 35 के नहीं 53 के हुए, वो उधर बने हुए थे। अच्छा ये पीछे से 55 कमाल की डेकोरेशन हुई है, बहुत ही जबरदस्त हुई है। और सबसे मस्त में कोई वॉल लग रही है, देखो ये वॉल थोड़ा सा दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। जब यहाँ पे हम अपना फोटोशूट करेंगे ना केक वाला और रील बनाएंगे ऐसे करके चुश तो ऐसे ठीक हो जाएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो डेकोरेशन है वन ऑन ओनली किससे करवाते हैं हम आपको पता ही है, हर बार जो है बर्थडे हो एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो हमारे घर में तो हम लोग डेकोरेशन कराते हैं इन भैया से और इनकी वाइफ जो बहुत शर्मा रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। तो ये दोनों हैं जो ये पूरी हमारी जितनी भी डेकोरेशन है वो संभालते हैं, इनका पेज ये खुद बता देंगे आज आपको। हमारा इंस्टा पे पेज है idream_makers, हमारे पास सारी बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन, वेडिंग्स की, अब वेडिंग सीजन आ गया, हल्दी मेहंदी डेकोर, डेस्टिनेशन वेडिंग्स की सारी हम करते हैं, हमारे पास कैटरिंग का सारा अरेंजमेंट रहता है, कहीं भी पैन इंडिया में हमें बुला सकते अपने काम पे। तो मैं इनका वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी, आप वहां से इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनका मोबाइल नंबर भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा, इंस्टा आईडी भी होगी, तो वहां से आप इनको कॉल कर सकते हो, आपकी हर एक जो भी विशेष होगी जैसा भी आपको डेकोर कराना। इनको टाइम मैंने बहुत कम दिया था, मैंने ऐसे बोला 6 बजे मैंने बुलाया था, तो 6 बजे में इतनी अच्छी डेकोरेशन मेरे हिसाब से नहीं हो सकती थी, बहुत तो डेकोरेशन हो गई है। और अभी इसको मैं कर दूंगी यहाँ पे बंद, लॉक कर दूंगी क्योंकि मैंने सबको बुलाया 11 बजे, अब हमारा टाइम है रेडी होने की, 10 बज गए सिर्फ 1 घंटा। और हम ना एक काम करेंगे, इनको बोलेंगे चलो यार रेडी हो गए, चलो बाहर चलते केक काटने, हाँ ऐसा कुछ करेंगे ठीक है। अभी हरमान जी के लिए एक सरप्राइज वहाँ पे भी है, तो एक सरप्राइज और भी है जिसका हमें कुछ नहीं पता है, वो भैया खुद ही लेके आए अपनी तरफ से बर्थडे गिफ्ट। थोड़े से और बैलून लग जाएंगे, ये बबल्स एंड फॉक, ये देखो गाइस जैसे बच्चे वो फूफू करके वो झाग नहीं निकालते वो वाला है, लेकिन इसमें क्या है जहाँ भी हम ये करेंगे ना बबल में से धुआं निकलेगा, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है जब हम नीचे लेके आएंगे ना, तो इसको पहले से जला के रख देंगे ताकि पूरा ऐसे और आके बोलेंगे। आपके पास पट्टी का कोई इंतजाम है, आंखों की पट्टी का, बस आंखों पे पट्टी लगा के लाएंगे। और हमारा ब्लैक थीम है, ब्लैक पे गोल्डन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लग रहा है। तो चीकू बहुत ज्यादा खुश हो गए बबल्स देख के, सच में इतने क्यूट लग रहे हैं ना, बबल्स में धुआं निकल रहा है देखो, एकदम ना एयर में डिसॉल्व हो गए हैं, अच्छा है बहुत सुंदर है। तो गाइस फिलहाल नीचे की डेकोरेशन हो गई है कंप्लीट, अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर क्योंकि टाइम 11 बजने वाले ऑलमोस्ट, तो मैं फटाफट मैं रेडी हो जाती हूं, चीकू सो रहा, चीकू को तभी उठाऊंगी जब हम लोग रेडी हो जाएंगे, उसकी नींद थोड़ी पूरी हो जाएगी क्योंकि उससे जाना सुबह स्कूल, उसे उठाएंगे हम 11:30, और उस रूम में रेडी भी नहीं होंगे जिस रूम में चीकू सो, सामान भर लेंगे। तो बस नीचे की प्रिपरेशन हो गई है, खाना वाना बन चुका है, केक पहले ऑलरेडी आ गया था, केक को देखना भी है, ये भी नहीं पता कि कहाँ रखा है, ये रास्ता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए नीचे क्या गए, यहाँ पे तो ना पूरा भकाल मचा दिया इन लोगों ने, अब पूरा घर पहले सेट करना पड़ेगा, उसके बाद रेडी होना पड़ेगा, यहाँ देखो और मेहमान आने वाले घर में, मैंने चीकू के पापा के फ्रेंड्स को बुलाया है, जतिन भैया को बुलाया है, विजेंद्र भैया नहीं है, वो वैसे घर इतना साफ रहता है, और अब घर की हालत देखो,
अब हम रेडी हुए कि पहले घर साफ करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ ऊपर आए तो देखा तूबा रो रही है क्योंकि उसे फीवर है, उसको ना मैं ज्यादा तंग नहीं कर सकती, वो सोई हुई थी तो उठ गई अभी ना, तो पहले अभी मैं थोड़ा सा उसे रिलैक्स करवाती हूँ, उसके बाद जो है मैं रेडी वेडी देखो होंगी होंगी नहीं होंगी। यहाँ पे मेरी टांग देख तू ले, यहाँ पे तीनों बच्चे एक साथ रो रहे हैं, उनके बच्चों के चक्कर में बालों की हालत देखो क्या हो गया। मुझे ना आज नार पाले इतनी बार सोच रहे थे कि हेयर स्टाइल कराएंगे पर टाइम नहीं मिला, बच्चों को भी रेडी करना है, खुद भी रेडी होना, भाई नहीं हो पाएंगे, एक घंटे के ना सब कुछ नहीं हो पाएगा। चलो 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 चलो, ये टॉय 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 टॉय, पापा आ गए पापा। ये बच्चा ना किसी भी कोने में और मुझे देख ले, जो तालियां बजाता है ना। सुनो मैं क्या कह रही हूँ, एक घंटा रह गया, घर पे केक वेक भी काटना है, अपने कपड़े पहन लो। आगे उमेश भाई आगे। हाँ नमस्ते भैया। उमेश भैया आ गए हैं सबसे पहले, सबसे फास्ट, एक घंटा पहले आ गए। तो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया इस बार इनके बर्थडे पे, हमने सोचा कि क्या हर साल बर्थडे आता है क्या पैसे खर्च करना, तो हमने सिर्फ भैया भाभी को, जतिन भैया और भाभी भी आ रहे हैं, बस यहीं पे केक काटेंगे और खत्म करेंगे। तो हमारी टीम वाले ना वो दाल मांगने आए हैं, उनको दाल दे देती हूँ। तो फिलहाल चीकू के रूम में मैंने लाइट जलाई हुई क्योंकि इसे भी उठाना है, पापा का बर्थडे है, 11:30 बजने वाले हैं, तो मैंने उनके लिए जो कपड़े धुलाए थे उनको दे देती हूँ और उनको बोलती हूँ, कल उन्होंने देखा नहीं था, बोलती हूँ रेडी होके आ जाए, तो चलो मेरे साथ। तो भाई यहाँ पर हमारा संदीप भाई हमें फोन पे ही जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भाई आपको, बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल ठीक है। तो संदीप भाई की शादी थी और इसने मुझे बुलाया नहीं। भाई बुलाया था, रात को 2 बजे भी कॉल आया था आपका, मैंने लोकेशन भी भेजी थी आपको। नहीं नहीं हमने ना अभी सोचा है, बुलाया था, मैं मजाक कर रहा हूँ, हमने अभी भाभी की रोटी बोली है, पता नहीं कब लेके आएगा भाई। मैं 23-25 छुट्टी है, मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ आऊंगा मैं। ठीक है आ जा मेरे जान, ठीक है ओड़े तू, मैं आन लग रहा हूँ, मैं 17 ना आऊंगा, ठीक है। ठीक है भाई यहीं पे हूँ मैं तब तक, ठीक है मेरी जान, ध्यान रख। तो गाइस जल्दीबाजी में अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, हल्का फुल्का जैसा होएगा वैसा खड़ा हो मेकअप करके और हम शुरू करते हैं पार्टी, क्योंकि अरमान जी भी वेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा ज्यादा मेकअप नहीं करते, जैसा होएगा वैसा कर लेते हैं। इतना सुंदर कपड़े पहने, पता नहीं आयान को क्या हुआ, आयान भी जैद भी तू बात, तीनों बच्चे रो रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ इनको, आज रोना नहीं चाहिए, आज खुशी मनानी चाहिए। तो गाइस 5 मिनट के ना मेकअप करे, पता नहीं कैसे करे कैसे नहीं करा, थोड़ा फोर मेकअप करा, पहले मेरे लिए झुमकी निकाल, पहले तो मेरे लिए कुछ भी झुमकी निकाल, ये पहने तो ये पहले नहीं, ये वाले सही पहन रही, अच्छी लगी ना ये दोनों, बहुत ही बुरा। तो बस इयररिंग्स चेंज करो, मेरे ख्याल से टाइम कितना हो गया, 10 मिनट आ जाएंगे। परांदी लगा लूं, बताइए तुम छोटी का कितनी कैसी लग रही है, तू भी लगा ले परांदी। नहीं मेरे बाल में छोटे में जूड़ा करूंगी, यहाँ पे वो करा के इसे करवा ले यहाँ पे वो, और फिर वो लगा, परांदी नहीं लगा पाऊंगी, बाल बहुत छोटे में जूड़ा कर लेती हूँ, जूड़ा नहीं अच्छा लगेगा, मेरे सेंस में काम करना तो मुश्किल होगा ना, सच में कोशिश कर रही हूँ अपने इयररिंग्स पहनने की, उतर नहीं रही। एक दिन पहले कभी भी पार्टी वार्टी नहीं रखनी चाहिए, टाइम पे सब कुछ किया है, डेकोरेशन टाइम पे सब कुछ, हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बिल्कुल 1 मिनट का टाइम नहीं मिला कि हम रेडी हो जाए ढंग से। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ बालों में, क्या करूँ, परांदी भी नहीं मिल रही, परांदी मिलती तो मैं परांदी कर लेती। चीकू खड़ा हो बेटा, सब रेडी हो गए, खड़े हो, मैं करती कुछ, लो जाओ लो, आपकी चुन्नी भी आ गई, देखो आपको ऐसे लेना था ना, ये भी आ गया आपका, लो फिर खड़े हो। अच्छा चीकू की स्पेशल है, स्पेशल बन के और मैंने वो वाला बनवाया था ना शॉल वाला, भी देख ये भी आ गया, बोलो शॉल वाला, ठीक है ये ऐसा करती हूँ मैं नहीं लेती हूँ, ये कोई भी वो आया चीकू पापा को दे देती हूँ, ले बेटे खोल, जैसे करके झूला कर दूँगी। तो गाइस परांदी नहीं मिल रही, बहुत देर से परांदी ढूंढ रहा है, कुछ नहीं मिल रही, पायल के तो बाल पायल ने खोल लिए, थोड़े लंबे बाल है ना मेरे, बाल छोटे हैं तो अच्छे नहीं लग रहे खुले हुए, तो मैं क्या कर रही हूँ बैंड बाज वाले वो बहुत सुंदर लग रहे हो, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, वो बाल सेट करके आएंगे फिर दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली सारी टीम हो गई है रेडी, बस अभी क्या है चुन्नी ले लेती हूँ, और पता नहीं आज बहुत सारे फोन आ रहे हैं, सब आने वाले हैं, क्योंकि पापा के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि पार्टी है, उनको लग रहा है घर पर ही पार्टी है क्योंकि हम लोगों ने केक निकाल दिया है, तो केक भी उनके लिए सरप्राइज है। तो फाइनली भैया हम सब लोग रेडी हो गए हैं, स्मार्ट स्मार्ट से लग रहा है, सबसे स्मार्ट जो लग रहा है ना वो है मैं, तुम तो ऑलवेज रखते हो, औरतें तो भैया स्मार्ट होती हैं, इसको ऐसे नहीं लेना है, मैंने तो कुछ खाया था, आज भैया वो इनको पट्टी बांध के दिखाएंगे, वो स्पेशल केक है ना, तो पट्टी बांध लो, पट्टी बांध लेते, कैमरा मैन हाँ, एक बात बताओ मुझे,
ये क्या है? क्या ये क्या है? हमारी टीम है, टीम तो बहुत सारे लोग उनको तुमने बना दो मैचिंग। जिस दिन हम मेजरमेंट दे रहे थे ना, उस दिन कोई था नहीं, सिर्फ यही थी टीम की। अच्छा। तो मैंने अब जो लोहड़ी की हम लोग ड्रेस सिलवा रहे हैं सब करवा, सबके 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 सेम। ठीक है। अच्छा, मेरी पाल की चप्पल कैसी लग रही? नहीं सही लग रहा, ज़ारा की चप्पल है यार। ये प्रमोशन मत करो, प्रमोशन नहीं कर रहे। ये देखो हमारे चप्पल 7 मिनट बड़े हैं। चलो पट्टी बांधो, पट्टी भाभी कैसे लग रही चप्पल? तो भैया यहाँ पर आंखों में पट्टी बांधी जा रही है। पहले यहाँ पट्टी का क्या मतलब? यहाँ भैया वाला जो केक है ना, वो बहुत स्पेशल केक है। अच्छा, तो मैं सोच रही हूँ उस स्पेशल केक को ना मैंने गाड़ी पर रख के कटवाऊंगी आपसे। पहले मुझे कुछ दिख नहीं रहा, देख मैं गिर जाऊंगा। हम बाहर के लिए चलेंगे। फोन मैंने पकड़ लिया, टेंशन मत लो आप अपना। पहले मेरे बाल नहीं खराब कर दिया कोई? थोड़े कोई नहीं, आपने हाँ मैं बुला लेती हूँ। थोड़े टाइट नहीं बांधा तुमने? टाइट तो बांधा ही पड़ता है। थोड़ा टाइट बांधा, मेरी आंखें दिख नहीं रही मुझे कुछ। अच्छी बात है ना, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ दिखाना ही है आपको। चलो चलो, कहाँ चलो? नीचे केक गाड़ी पे रख के काटेंगे, आओ। अच्छा सरप्राइज है? हाँ सरप्राइज, केक गाड़ी पे भी स्पेशल केक है, गाड़ी वाला केक। भाई मेरा फोन फान ले लिया, सब कुछ ले लिया। पाल एक आदमी को मेरा मिनी ब्लॉग बोल कंटिन्यू शूट करेगा। तो चलते गुड्डू, है दिक्कत नहीं है कुछ? पाल इतने जोर से तो सांस फूल जाऊंगा। सांस तो यहाँ से आती है, यहाँ से थोड़ी आती है। चलो चलो चलो, इधर 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 पाल ले जाइए, इधर इधर चलो चलो चलो। अरे चलो बाबू, लिफ्ट है लिफ्ट, चलो ना। सुपारी है? सुपारी आज आज के लिए लिए बस। हाँ ये कोने में खड़े हो जाओ। अच्छा बता दो दुकान ले जाइए। वो मेरे से उगल उड़ गई। उतरता हूँ। नहीं नहीं आप रुको, आपकी तो जरूरी है। तुम पहुंचो कोई नहीं, ये देख दस बच्चे। हाँ हम तो आ रहे हैं, तुम आ जाओ बस। दो मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, वैसे बहुत हैंडसम लग रहे हो आज आप। नाइस, बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ। ये हमारी सोसाइटी में एक लड़की रहती है, वो बोल रही है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे पता था ये स्टॉकी है। ये छोटा सा क्यूट सा, आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड है। थैंक यू। कहाँ से हो बहन आप? सिंगपुर में रहती हूँ। हम भी यहीं से, हरियाणा से। यहाँ पे अभी भी लूज तो करना, सच बता। नहीं नहीं लूज नहीं करना बुटू, नीचे गिर जाएगी। कहाँ लेके जा रहे हैं? सच बता। गाड़ी, अपनी गाड़ी में मैंने केक रखवाया, वो केक स्पेशल है, वो जतिन भैया लेके आए हैं, इसलिए मैंने सोचा वो केक गाड़ी पे कटवा के फिर दूसरा केक अपना घर में काटेंगे। चलो आप बोलू का। गोलू आ रही है, लिफ्ट भारी हो गई थी। चलो चलो, मैं हूँ ना आपकी आँख अभी। अरे यार पायल, आँख तो है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्यों अजीब सा लग रहा है? पापा हाथ पकड़ो एक और। हाँ, पहली बार मैं ऐसा। इधर इधर इधर, गोलू को तो अंधे है। यहाँ ठीक है, गोलू का वेट कर। बहुत कमी है मतलब। नहीं नहीं मैं आपको थोड़ा सा लेट ना हो जाए ना, इसलिए मैं लेके चल रही हूँ। अभी बहुत टाइम पड़ा। ठीक है, अभी लिफ्ट ऊपर गई है। लिफ्ट छोड़ बहू को तो आने दे। हाँ आ रही है आपकी छोटी। उसके पास टेंशन नहीं होगी। चलो देखो, हम उतरे लिफ्ट से। देखो आप, अब आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो ठीक है, लेफ्ट राइट, आपकी राइट और लेफ्ट दोनों में आपकी धर्म पत्नियां हैं, बहुत ही खूबसूरत पत्नी है। चीकू कहाँ जा रहे बेटा? गाड़ी के पास जा रहे बेटा, गाड़ी के पास जा रहे हो। छोटा बच्चा ना, तो कुछ पता नहीं है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, कुछ पता नहीं होता। चीकू फिट लग रहे हो? मैं जा रहे बेटा गाड़ी के पास। बेटा गाड़ी देखो, ये तो रॉन्ग साइड चल रहे हो। नहीं बेटा, आपको नहीं पता क्या पार्किंग में गाड़ी कहाँ खड़ी होती है? तो पहले तो सोसाइटी से बाहर निकल जाएंगे, इतनी देर में तो बहुत चला दिया तुमने। नहीं नहीं थोड़ा सा चलने बस। अरे बेटा इतना थोड़ी चले हो आप, बस दो कदम और गाड़ी आ गई। कौन सी साइड वाली गाड़ी पे खड़े हम? तो पार्क के उस साइड गाड़ी नहीं है, क्लब हाउस के सामने गाड़ी है। तुम बाहर लेके जा रहे हो? नहीं, क्लब हाउस के बाहर ही वाली गाड़ी। आपको इतना भी आइडिया नहीं है कि हम बाहर लेके नहीं जा रहे? आपको जितना मैं चला हूँ ना, इस हिसाब से तो मुझे बाहर जाना चाहिए। रुको रुको, दो मिनट। वो गाड़ी पार्क कर रहे हैं भैया, गाड़ी सीधी खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं दे रहा तूने, गाड़ी सीधी खड़ी कर रहे हैं। मुझे दिख नहीं रहा, गाड़ी सीधी खड़ी कर रहे हैं बस। गाड़ी हॉर्न मारना जरा, पीपी। गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं है। अच्छा अच्छा, खुला गेट, खुला गेट नहीं था बेटा, गाड़ी का दरवाजा था। ये मेरा पैर लग गया उस पे, मैं खंभे पे पैर लग गया। वो दो मिनट की दे रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चीकू के पापा और बच्चों के पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू। वो म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हैं ना गाड़ी के अंदर। मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा आपका बर्थडे और हम कुछ स्पेशल ना करें, हो सकता है? मैंने ना सच में इनको मना किया था कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे अब आज के दिन और कभी भी, मतलब बर्थडे के दिन ना हम जितना दान पुण्य हो वही किया करेंगे। तो अभी मुझे नहीं पता अंदर क्या प्रोग्राम किया इन्होंने।
ये कैसा लगा आपको इतना अच्छा लगा? वेट नहीं हो रहा, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। चलो इसको बंद कर, इसको बंद कर दो। तो भाई यहाँ पर देख रहे हो तुमने ब्लैक ब्लैक क्यों पहना भाई? ये थीम हम लोगों ने रखी है, ब्लैक थीम। जितने भी लोग आएंगे सारे ब्लैक ब्यूटी बन के आएंगे। तो भाई थैंक यू सो मच, गोलू पाल हमेशा ऐसे ध्यान रखते हैं और कुछ ना कुछ नया जतिन भाई भी करते रहते मेरे लिए। तो जतिन भाई भी कुछ लाए होंगे, मैं वो देखना चाहता हूँ। तो जतिन भाई आपके लिए केक लेके आए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। वो हमेशा ही देखो केक के फेवरेट और मास्टर रहे हैं, हमेशा ही वो नायाब तोहफा देते हैं, जिंदगी भर याद रहता है और हर किसी के मुंह में जाते हैं, है ना। और एक जो आपने ऊपर वाला केक देखा वो सूरज ने रेडी कर रखा। एक बार और दिखा देती हूँ, बच्चों को भी दिखा देती हूँ, हम सबके साथ बच्चे पूरे रेडी है। आ जाओ चुकु, आओ पाल, बच्चे ले ले। हाँ, एक एक दसा पैकेट, छोटा पैकेट बड़ा। देखो भाई कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और सबसे बड़ी बात है फैमिली बढ़ाना। हमने पिछले साल प्लान किया था और इस साल बढ़ गई, और इस साल बढ़ गई। अगले साल क्या होगा कुछ नहीं पता, वो सीक्रेट है। चलो आ जाओ। तो भैया आज के केक के हकदार हैं पायल और गोलू और हमारी पूरी टीम, ब्लैक ब्लैक कपड़ों में जितने लोग हैं ये सारे हमारे घर के लोग हैं। तो जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे। दो तरफा क्यों कर रहे हो? एक बार जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे, जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे। ये बात आओ भैया, आओ जाओ भाई, सारे जतिन भाई आओ। भाई ज्यादा टाइम नहीं खराब करते, पूरे 30 सेकंड रह गए हैं केक कटने में। शुरू करें? हां शुरू करो। चलो काउंट डाउन करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बस बस। तो भाई ये तो बहुत तगड़ा ही सरप्राइज था यार, यहाँ तो सब डर गए। कौन कौन डरा भाई? मैं भी डरा यार, सब डर गए। बम था ये तो, पूरा बम, बहुत खतरनाक बम था, बहुत ही खतरनाक। भाई साहब हमें प्रमोशन करनी थी आपकी बर्थडे की, कि भाई बुलाओगे? पता ही नहीं था तुम डराओगे, सब केक छोड़ के भाग गए। ओ पाजी कितने गए तुसी? ओ पाजी तो बाहर ही भाग गए। ऐसा लगा हमारा सरप्राइज। सरप्राइज था भाई? यस दिस इज सरप्राइज। अरे यार ये तो बुलेट बम लग रहा था। यहाँ पे मोमबत्ती तक बुझ गई है। ओह मुझे लगा पॉप से बुझी है। जैद, जैद और तूबा को मैंने भेज दिया। आयान का है? आयान नहीं पे। आ जाओ फटाफट आ जाओ। तो गाइस तूबा और जैद बहुत ज्यादा डर गए थे, तो हमने उनको वापस घर पे भेज दिया। पर यहाँ पे आयान जो है चीकू की तरह बेर बनेगा, इसलिए ये अब लास्ट तक पार्टी में रहे। चक्के लो भाई, चक्के काम लो, चक्के। टिंकू आ जा, टिंकू यही केक खिलाते रहोगे, अभी एक केक और है भाई। वो भी खिलाना है। ये होता है केक, वाह देखो महाराजा केक भैया। इसका मीनिंग बताओ क्या? बस मेरा भाई किंग है, दिखाना। वाओ बहुत सुंदर केक है। पायल कहां गई? पायल देख हमारे कपड़ों से मैचिंग केक। फोटो ले पहले, तो फोटो इसकी, फोटो लो, इसकी फोटो लो, हमारे साथ हम फोटो लेंगे। आज की शाम मेरे नाम, अमर भाई के नाम। चलो हैप्पी फूक है, फूक फूक हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर टॉम डॉमी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भाई शाबाश,
आओ भाई गुरु प्रसाद का बस बेटा कितना कितना टाइम है क्लोज अप लेके आ रहा है हैप्पी बर्थडे जी चक के रखो काम चक के तो चक के खा खा तुके खा लेटे हैप्पी बर्थडे भाई बस बस खुश रहो खुश रहो चलो कोई याद नहीं क्या हैप्पी बर्थडे आशीर्वाद दे तो भैया केक ना अब तक ना मैंने नहीं खा के देखा सबको खिला दिया एक बात ना मैं सच बताऊंगा झूठ नहीं बोलूंगा जतिन भाई केक पता नहीं कहां से बनवाते कहां से लाते हैं मतलब मेरा दिल करता है मैं सारा खा जाऊं पर नहीं खा पाता ये देख ये खा गया सारा ये मेरा बच्चा भी खा लेगा बेटा कैसा लगा केक अच्छा है आज की पार्टी खत्म कर देंगे अभी आपको गिफ्ट भी तो मिलेंगे हमने इतने लोग बुलाए हैं सारे गिफ्ट लेके उसमें से सारे मेरे गिफ्ट ले आओ यार कहां रह गए अरे अरे सबसे आगे मैनेजर है सबसे ज्यादा पैसे ओपन करो ओपन करो बेटा इसके मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगा ओह माय गॉड वेरी बिग बिग गिफ्ट तो ये नहीं और भी गिफ्ट किधर गया अरे वो था एक मिनट लाओ ना अच्छा ये तो जबरदस्ती मांग रहे हो ऐसा नहीं भाई जबरदस्ती नहीं हमें पता है हमारे सारे चाहने वाले हमारे भाई थैंक यू भैया सब गिफ्ट लाए हैं इनके अनबॉक्सिंग हम कल करेंगे नियो भी लाए नियो नियो लेंस तो क्या कैमरे का बहुत ही खतरनाक चीज है अरे ये मिनी ब्लॉग भी लाए इसको मिनी ब्लॉग में अनबॉक्सिंग करेंगे मेरी घर अरे एक और गिफ्ट आ रहा है रुको मेरी नजर पड़ी है मैं थक गया बाल बोल के बस बोल दो नहीं नहीं है और अच्छा बाल जा रही है मैं तो आपके भाभी को पकड़ के हेल्प करूं क्या अरे सुनो फाइल मेरी नजर और पड़ रही है अरे और रहने दो यार नहीं नहीं कोई बात नहीं ले आओ तो भैया बहुत अच्छा लगा और मैं आपको बता देता हूँ हर बारी एक ही आदमी है पाजी कहाँ गए सरदार जी आओ तुहाडा तो काम रहता है हर बारी तो आप लोग इतना प्यार देते हो खुशियां हमारे घर में आती रहती है पर ये इंसान आपको हर जगह दिखता होगा इनकी इंस्टा आईडी मोबाइल नंबर हम टैग करेंगे इंडिया में किसी भी कोने में शादी ब्याह बर्थडे शड्डे लेना देना डेस्टिनेशन वेडिंग ये सब कुछ करते हर चीज ये निपटाते हैं और बहुत ही सस्ते रेटों में सही गल है पैसे ज्यादा नहीं 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 तोड़े ना तो पैसे डिस्काउंट हमारे नाम लेकर अगर आओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा चीकू को थोड़ा नींद में है बेटा आप कुछ बोलना चाहते हो चीकू अपनी दो घंटे की नींद पूरी करके आया सुनो पूरा केक खा लो लेकिन मेरे को ये राजा वाला चाहिए अरे राजा है बेटा तू ये ले बेटा तू तो छोटा राजा मेरा बिल्कुल वाओ अरे वाओ क्लैपिंग अच्छा भाई ले चलो भाई सामान ऊपर भैया टीम ऊपर चलो तो गाइस धीरज भैया भी मुझे पूछ रहे हैं कि भाभी भैया का चौथा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूं मैं आपको इतना नहीं पता आप 4 साल से हो हमारे साथ ना भैया को भी मेरे हिसाब से उड़ा भैया 3 साल हो गए होंगे भैया को 3 साल हो गए आपको 4 साल हो गए तो गाइस देख लो हमारे जब हमें यहाँ आए हुए हैं 4 साल हुए हैं तो इसका मतलब भैया आप लोगों के आने के एक महीने बाद ही भैया आ गए थे हमारे पास तो ये चौथा बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया तो बस ऊपर जा रही हूँ गिफ्ट सारे ले लिए सब मेहमानों को खाना खिलाना है और हमारी टीम सारी भूखी है इन्होंने बोला है कि जल्दी जल्दी अब मैंने कहा केक कट गया अब खाना खा सकते हो तुम तो मैं फटाफट से आपको सब्जी डाल के दे दूंगी रोटी नीचे ऑलरेडी मैंने बनवा रखी है खाओ पियो ऐश करो तो गाइस फटाफट गर्म कर लेते हैं खाना बना तो लिया ही था अब फटाफट से खाना सर्व कर देते हैं सबको क्योंकि सब लोगों ने बहुत वेट किया खाने का फटाफट सब यहाँ पे दाल मखनी गर्म हो रही है यहाँ पे पालक पनीर हो रही है राइस उधर से लेके आ रही हूँ और रोटियाँ जो है मैंने गर्मा गर्म अभी बाहर से ऑर्डर करी हैं वो भी आ रही है तो यहाँ पे मैंने टीम को बोला है अपने आप जिसको जितना खाना है अपने आप खा लो इसके बाद मीठा भी पहले आप मीठा कर लो मुंह फिर मीठा तो रात के 3:30 बज रहे हैं और तूबा को जो है फीवर चढ़ गया है क्योंकि इसने आज वैक्सीनेशन कराई है ना तो बस जस्ट अभी इसको पैरासिटामोल दिया है गोलू ढक्कन लगा दिया फिर ऐसे धोकर रखे एक बार तो आज ना इसको टीथिंग हो रही है डॉक्टर के पास लेके गई थी तो उन्होंने बोला थोड़ा बच्चा चिड़चिड़ा भी होता है सूट पहन के सो गए देखना हम सब पीछे से पिन निकाल मैचिंग सूट बेबी मैचिंग सूट हंस रहा है मेरे काका हंस रहा है पिन लगा के थोड़ी कोई सुलाता है मुझे थोड़ी पता था सेफ्टी पिन लगी हुई है लड़की के पीछे कहता मेरा ध्यान रख लो चुपचाप ध्यान तो पूरा दिमाग खराब हो गया मेरा रो रो के बुरा हाल कर दूं
हाँ जी, जैसे जैसे हम वो लंगर के लिए हम सामान लेने गए थे ना, जैसे आए ये रो रही थी बहुत देर तेज, तो हमने कुछ नहीं देखा, ना खाया ना पिया, कुछ भी नहीं। लगा लो घर में घुसी है, घर में लगा लो चार घंटे बाद घर में आए, और आती सबसे पहले तुबा को हॉस्पिटल लेके गई, दो सेकंड के अंदर फिर आई। और आज ना इनका बर्थडे पार्टी में ना जैद और तुबा दोनों इतना डर गए, क्योंकि वो बुढ़ हुआ ना, बमसा हुआ, जैद तो बहुत माँ के खराब हुआ। नैना से पूछा, जैद तो बहुत देर तक रोया, ऊपर आके भी रोया। मैं तो ये सोचा सोसाइटी के ना जो जिसमें हमने किया था उसमें से भगा। जैद जैद बोला, जैद जैद बोला, जैद बोलती है, दादा बोलती है इसको, दादा जैद ऐसे करो तुमने, जैद तू। और बता अयान के बोलता है, अयान बोलता है तुबा। चीकू कल तेरी छुट्टी करा, ऑलरेडी चार बज गए, जस्ट चार बज गए, हम ये थोड़ी होते बच्चा तो बीमार हो जाएगा तू ऐसे। परसों तेरे एनुअल फंक्शन में सारे लोग चले गए, ये भी चलेगी, इसको भी ले जाएंगे, पापा भी चलेंगे, चीकू का एनुअल फंक्शन। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, नमस्ते, बाय बाय, ध्यान रखो, सेफ रहो, जय हिंद।